सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो प्रभु रतन पाया, प्रभु रतन कमाल के भक्ति भी कमाल के भक्त ये कमाल के भक्ति भी कमाल की लागा रंग भक्ति का हुई मैं कमाल की प्रभु रतन धन पायो प्रभु रतन धन पायो रुत मिलन की लायो प्रभु रतन प्रभु रंग रंग आयो मैंने प्रभु रतन धन पायो प्रभु रंग रंग आयो मैंने प्रभु रतन धन प
मेवाड़ के इस इतिहास में अगर 40 गत 40 वर्षों की बात करें तो ऐसा जो अद्भुत दृश्य है वो मेरे ख्याल से हमने नहीं देखा है। जब सात सात आठ आठ मुमुक्षु आत्माएं इस उदयपुर की पावन धरा पर आकर हम सबको लाभान्वित कर रही है, तो इस पावन अवसर का लाभ उठाते हुए कि इस समारोह का आगाज हम आचार्य प्रवर सिंह मेहरा जी महाराज साहब की सेवा में उदयपुर और मेवाड़ की ओर से एक विनती पत्र प्रस्तुत करें कि हम सभी मेवाड़वासी आचार्य भगवान आपका 2022 का चतुर्मास मेवाड़ और उदयपुर में चाहते हैं। इसके लिए संघ के पदाधिकारियों ने एक योजना निकाली है कि आज हमने एक विनती पत्र बनाया है। उस विनती पत्र में हमने हमारी भावनाएं सिर्फ चार पंक्तियों में लिखी है। आप यहाँ विराज रहे हैं, अभी समय लगेगा, आप उसमें अगर उस विनती पत्र से जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अगर सहमत हो तो आप अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर और अपने हस्ताक्षर इस में कर दें, वो यूं करें हम आचार्य प्रवर की सेवा में भेजेंगे। कि परम श्रद्धे जिन शासन गौरव आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटिशा वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव उदयपुर के कुछ साथियों को छोड़कर उदयपुर सीजन और उसके समस्त सहयोगी संगठन जिसमें शांत क्रांति महिला संघ, शांत क्रांति उत्तर पूर्व परीक्षक, शांत क्रांति सिद्धि चार पाँच परिषद, समता युवा संस्थान, समता मैत्री संघ के सभी सदस्य अंतःकरण से यह भावना रखते हैं कि आपका आगामी 2022 का वर्षावास उदयपुर में हो। अतः इस विनती पत्र के माध्यम से हमारी विनती को स्वीकार कर 2022 का चतुर्मास उदयपुर में फरमाने की महती कृपा कराएं। हम हैं आपके जिन शासन सम्राट होंगे दिव्य गुणों के अनुपम धाम, चरित्र निर्माण के तुम प्रहरी, सरस्वती के पावन धाम, वाक चिंतामणि पद विभूषित, गुण गरिमा में सार्थक नाम, शांत क्रांति के आचार्य विजय को करते हैं हम नित्य प्रणाम, करते हैं हम नित्य प्रणाम। वो मेवाड़ वासियों का इस भव्य मुमुक्षु अनुमोदना व स्वागत समारोह में उदयपुर शीर्षक व सभी सहयोगी संस्थाओं की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गमनजीत पोखरणा कुकुनो कर्नाटक सहित हैं, आप पधारे। नमनजीत पोखरणा सुश्री चित्रा सालेजा ई रोड तमिलनाडु, अदिति जी कोटरिया ई रोड तमिलनाडु, सिद्धि जी राका रायपुरिया पेटलावत मध्य प्रदेश। आप सभी मुमुक्षु से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे आप मंच पर पधारें।
श्री यशवंत जी, डॉक्टर सुभाष जी व लोकेंद्र जी से कि वे श्री श्याम सुंदर साहब बड़ाला, दौलत सिंह साहब खिमैसला, विनेंद्र जी बढ़िया साहब, सूरजमल जी मोगा साहब का शॉल पगड़ी व स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आज हमारे बीच श्री गौतम जी डुगरिया साहब, श्री हेमंत जी कोठारी पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक, श्री महेंद्र सिंह साहब मेहता विराजमान है, उनका श्री हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर्ष 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 आदरणीय पिछोलिया साहब, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लोकेंद्र जी कोठारी साहब, उदयपुर श्री संघ के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी कोठारी साहब एवं सभी मुमुक्षु भाई बहनों, इस समारोह में अग्रिम पंक्ति के विराजमान अखिल भारतीय सांकरा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी गुगलिया साहब, संरक्षक आदरणीय हेमंत जी कोठारी साहब, संरक्षक आदरणीय इंद्र सिंह जी मेहता साहब, संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी हिंगर साहब एवं उपस्थित सभी धर्मप्रेमी भाइयों माताओं बहनों, उदयपुर श्री संघ का बहुत ही सौभाग्य है आज इस मेवाड़ की धरा पर एक साथ 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 मुमुक्षु भाई बहनों का उदयपुर श्री संघ द्वारा अभिनंदन सम्मान किया जाए। भव्य शोभा यात्रा एवं अभिनंदन समारोह को साक्षात देखने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत ही बड़ी बात है। आज के इस टीवी और फेसबुक और व्हाट्सएप के युग में ऐसे महान आत्मा है जिनको देख करके एक बार तो आंखों में आंसू आते हैं। भैया जो छोटे छोटे बैठे हुए हैं, अभी इनके जीवन की शुरुआत है और इन्होंने संयम पद को स्वीकार किया। यह पद इतना आसान नहीं है, पर फिर भी इनकी हिम्मत, इन्होंने जो जज्बा दिखाया है, वास्तव में समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही बड़ा काम है। उदयपुर श्री संघ द्वारा मैं सभी मुमुक्षु भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की जो संयम मार्ग पर ये चल रहे हैं, ये उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहे और जिन शासन की शान बढ़ाए। जय जय स्वागत के क्रम में मेवाड़ की ओर से स्वागत करने हेतु आमंत्रण श्री प्रकाश जी पिछोड़िया साहब। तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार, तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार। अहिंसा के अमर देवता कृष्णा नंदन है प्यारा, प्रभु वीर को नमन हमारा, प्रभु वीर को नमन हमारा, जिनके दिल में करुणा समता की बहती थी अविरल धारा, आचार्य विजय गुरु को नमन करे जग सारा, वो शांति क्रांति संग जयकारा, वो शांति क्रांति संग जयकारा। हार्ट अटैक की शुरुआत कराते हैं सदगुरु, सतपथ पर चलाते हैं सदगुरु, सदगति दिलाते हैं। ऐसे सिद्धि पथ पर निकली विराजित मुमुक्षु आत्माओं जो कि 10 फरवरी 2022 को ब्यावर शहर में
जिन शासन में सर्वतो भावे समर्पित होने जा रही है उन सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। सम्मानित मंच विराजित पुण्यशाली आत्माओं को सादर जय हो। जिलों की नगरी उदयपुर आज अपने आप पे गौरवशाली महसूस कर रही है। उदयपुर श्री संघ ने चरित्र अनुमोदन हेतु अभिनंदन समारोह एवं वर्कोड़े का आयोजन किया है। मैं भी पिछौरिया परिवार फतेहनगर और श्री संघ की ओर से सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हुआ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसे आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, विजय गुरु का शासन मिला, जिनके विषय में क्या कहा जाए। जहाँ जहाँ भी जिस जिस गांव में गुरुदेव, जिस जिस गांव से गुरुदेव आए, पधार कर आए, वह सबके मुख पर, सबके जुबा पर एक ही चर्चा है, ऐसे गुरुदेव पहली बार देखे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि आपके गुरुदेव वास्तव में गुरुदेव ही नहीं, महावीर के समकक्ष हैं। इनका जीवन हमारे लिए जीवंत आदम है। इनके वास्तव्य की मधुर झील में नित्य नए वैराग्य के पुष्प खिल रहे हैं। इसलिए तो मुमुक्षु आत्माएं कह रही है, एक बार पुनः मुमुक्षु आत्माओं का अभिनंदन करता हुआ उदयपुर श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन रखा। एवं बहुत बहुत आभार मुझे समय और गौरव प्रदान करने के लिए। अंत में यही कहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ध्यान दे थोड़ा, सूरज और चांद कभी इकट्ठे नहीं होते, सूरज और चांद कभी इकट्ठे नहीं होते, नदी के किनारे भी कभी एक नहीं होते। करोड़ों की क्या बात करें हम, यहाँ अपने दोनों पांव भी एक साथ नहीं चलते। संघ बनाना सहज है, लेकिन संघ में सबको साथ लेकर चलना, सबके मन में मित्रता का भाव निर्माण करना कठिन कार्य है। इसीलिए सफल संघ संचालक भाई श्री यशवंत जी आत्या साहब एवं डॉक्टर सुभाष जी कोठारी एवं उनकी टीम का हृदय से हार्दिक 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 आभार। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। शांत क्रांति महिला संघ की सदस्याओं से आग्रह है कि वे एक स्वागत गीत की प्रस्तुति दें। प्रस्तुत है स्वागत। स्वागत है अतिथि का, स्वीकार इसे कर लो। वाह।
बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर श्री संघ के महामंत्री डॉक्टर सुभाष जी कोठारी साहब से इन दो पंक्तियों के साथ आग्रह के पधारे और उदयपुर संघ की गौरव गरिमा व मुमुक्षुओं के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करें। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लगाकर चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। महकते गुलाब हम सबके ख्वाब और चमकते आफ्ताब परम सत्य विजय गुरु को नमन कर मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि संयमी जीवन के उदित रवि की संयमी जीवन के उदित रवि की किरणें शुभ मंगलमय हो और अभिनंदन स्वीकार करो। उत्कृष्ट आपका जीवन हो और अभिलाषा हम सबकी यही सबका जीवन अति उत्तम हो और ज्ञान परिष्कृत और सहज हो और धर्म सदा सम्मानित हो। धर्म सदा सम्मानित हो। आज के समारोह के मुख्य आकर्षण संयम पथ पर आरूढ़ होने वाले मुमुक्षु भाई बहनों कि मेवाड़ की यह धरा हुक्म संघ के अनेक आचार्यों की जन्म और कर्म स्थली रही। यह संघ ने अनेक आचार्यों के वर्षावास परिचर्या स्वधर्मी वात्सल्य संयम मार्ग में अग्रसर होने वाले वैराग्यवती भाई बहनों की सेवा शुश्रूषा उनकी प्रेरणा संबल अनुमोदना दलाली में प्रमुख स्थान था उदयपुर श्री संघ। यही कारण था कि हमारे पूर्वाचार्यों ने इस संघ को बुद्धिजीवियों का संघ कहा और इस धर्म रूपी महल का स्तंभ और चार पाए जो होते हैं पलंग के उसका एक पाया धर्म का इस उदयपुर संघ को कहा। और आपको शायद विदिति है कि उदयपुर संघ उदयपुर से 14-14 मुमुक्षु आत्माओं ने जिन शासन में संयम ग्रहण कर शांतिकांति संघ की शोभा बढ़ाया। 10 फरवरी को दीक्षित होने वाले इन सभी मुमुक्षों के साथ संयम ग्रहण करने जा रहे हैं। साथियों इस धरा पर अस्तित्व तो सबका होता है परंतु व्यक्तित्व तो बहुत विरलों का होता है। अस्तित्व तो सहज ही उत्पन्न हो जाता है परंतु व्यक्तित्व बनाना पड़ता है निर्मित करना पड़ता है। हमारे इन मुमुक्षु भाई बहनों ने अपना व्यक्तित्व निर्माण करने का अद्भुत साहस किया है। आपके भीतर 6 काया के जीवों के प्रति जो करुणा मैत्री अहिंसा दया के पुष्प विकसित हुए हैं जो हम सबको भी प्रतिबोधित और प्रतिलाभित करते हैं। बंधुओं ऐसे मनस्वी यशस्वी तेजस्वी संयमी आत्माओं के दर्शन कर हम धन्य धन्य हो गए। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमारे अंतरावलोकन को स्पर्श करें। आपकी संयम यात्रा हमारी संवेदनाओं को जागृत करे और आपकी यह संयम यात्रा हमें संस्कारों की सुरभि प्रदान करे और हम भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। इनके सामिप्य सानिध्य और संगत में आज हम ये प्रण लें कि हम छल कपट द्वेष और राजनीति से दूर रहकर धर्म नीति का पालन करेंगे। समाज में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। हम धर्म नीति पे चलेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब मेरी बहन राशि जी महाराज साहब की जोधपुर में दीक्षा हुई थी तब उस अभिनंदन समारोह में वो पंक्तियां उद्धृत की थी वो मुझे आज भी याद है। 40 साल में वे कभी नहीं भूला तो आज पुनः मैं इनको देख कर सभी छोटी छोटी बहनें और भाई लगते हैं कि जैसे ये सब मेरे लिए छोटे भाई बहन हैं और इनके लिए इस पूरे सदन और मेवाड़ की ओर से कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। के कदम बढ़ाते होए भाई बहनों भिड़ने को अंगारों से तो उड़े पताका जी शासन की गूंजे नभ जयकारों से। महावीर पथ पर बढ़ती हो तुम सुविचारों से संयम लेना चरण बढ़ाना है खांडों की धारों से। तो कहनी है एक बात आज संयम ले रहे सितारों से संभल के रहना कदम कदम पर आते हुए विकारों से जीवन
पाने के साज सजा लेना और राग द्वेष की जंजीरों से जीवन मुक्त बना लेना। तो संभल के रहना कदम कदम पर आते हुए विकारों से। पांच महाव्रत लेते हो हिंसा को दूर भगाना है और झूठ और चोरी जीवन में कभी नहीं अपनाना है। ब्रह्मचर्य नवमाण सहित पालन कर दिखलाना है। संग्रहवती को छोड़ तुम्हें अपरिग्रही बन जाना है। तो चमक उठेगा जीवन दर्शन ज्ञान चरित तप चारों से। जन्म सफल कर लेना तुम तो अभिनंदन स्वीकार करो। अब वक्त है श्रवण संस्कृति के उपासक सरस्वती के साधक धर्म के उन्नायक अजय श्री जी के नैश्राय में 10 फरवरी 2022 को ब्यावर में दीक्षित होने वाले मुमुक्षुओं के अभिनंदन का। जब तक संयम श्रम के साधक मंगलमय अभिनंदन, जब तक संयम श्रम के साधक मंगलमय अभिनंदन। मुक्ति मार्ग के अमर पथि को तुम्हें कोटि कोटि हो वंदन। शांत क्रांति मेवार के भक्तगण गीत आपके गाते हैं। उदयपुर के श्रावक श्राविका मिलकर शीश झुकाते हैं। दीक्षार्थी को वंदन अभिनंदन अनुमोदन है। छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन है। दीक्षार्थी को वंदन अभिनंदन अनुमोदन है। हमारे बीच आज 10 फरवरी जो दिव्य दीक्षा महोत्सव ब्यावर शहर की पावन नगरी में होने वाला है, उसमें 7 दीक्षाएं खुल चुकी है। उसमें से 6 दीक्षार्थी बंधु हमारे बीच पधारे हैं, साथ ही 2 दीक्षार्थी बंधु जिनकी भविष्य में दीक्षा होने वाली है और उनका आज्ञा पत्र हुआ है, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। मुमुक्षुओं का अभिनंदन करने हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ श्री हुक्मगच्छी साधु मार्ग के स्थानक वासी जैन श्रावक संस्थान उदयपुर के सदस्य श्री यशवंत जी आचार्य साहब, डॉक्टर सुभाष जी कोठारी साहब, श्री लोकेंद्र जी कोठारी साहब, श्री वीरेंद्र जी वर्डिया साहब। अगले मुमुक्षु है श्रीमान नमन जी पोखंडा जो कुकनूर कर्नाटक के निवासी है। उनके वीर माता प्रीति जी पोखंडा एवं के वीर पिता सुमती कुमार जी साहब पोखंडा है। अगले मुमुक्षु है मुमुक्षु श्री श्री सिद्धि जी राका जो रायपुरिया रतलाम निवासी है। वीर माता अनीता जी एवं वीर पिता सुरेंद्र जी राका है। आज्ञा पत्र हुआ हुआ है और बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीनों में मुमुक्षु सिद्धि जी एवं मुमुक्षु पवन जी चौधरी की भी संयमी दीक्षा संपन्न होने की संभावना है। प्रभु महावीर के शासन में गुरुदेव का आशीष आप सबने पाया है। गुरुदेव का आशीष आप सबने पाया है। माता पिता के संस्कारों को और भी उज्जवल आपने किया है। मोक्षपुरी की राह चुनकर पूरे परिवार का नाम आपने रोशन किया है। संयम साधना आपकी उत्कृष्ट हो, यही हम सब की शुभकामना है, यही हम सब की अनुमोदना है। मिली है आपको गुरु भगवंतों की छत्र छाया। मिली है आपको गुरु भगवंतों की छत्र छाया। जिन शासन में अनमोल बहुत हीरे हैं पाए, आपके समर्पण का कैसे करें हम बखान। जिन धर्म में जिसने अपना भाग्य सवाया, जिन धर्म में जिसने अपना भाग्य सवाया। हमारे मुमुक्षुओं का श्री संत अभिनंदन कर रहा है। हर्ष हर्ष सभी मोक्ष भाई बहनों का सम्मान कर रहे हैं। Thank you.
स्वागत एवं सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री साधु मार्गी शांत क्रांति जैन चालक संघ सेक्टर जान भी दूं तो
जाऊं समर्पण गुरु चांद गुरु सूरज मोहन बारा लागे मोहन बारा लागे मन फारो फारो मोहार सन सार लागे मीठे रस से बड़ी और संयम मार्ग लागे संयम मार्ग लागे मन फारो फारो मोहार संसार लागे जय जय भगवान के तीर्थ को कर रहे हो कृपाए मान बढ़ा रहे हो आप दिन शासन की शान अष्ट कर्मों को कपाने करना पुरुषार्थ अपार परम श्रद्धे आचार्य भगवान एवं समस्त चैत्रात्मा चरणों में कोटि कोटि वंदन। यूं तो आप सब जानते हैं कि संयम सुख का स्तोत्र है। अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर अंकुश रखना नियंत्रण करना संयम है। ऐसे सोचे कि एक राज्य का या साम्राज्य का राजा होता है और सेनापति। अगर राजा के सही निर्देशन से सेनापति कार्य करता है तो राज्य जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ये तो उसके पुण्य और पुरुषार्थ की बात है। अगर अध्यात्म दृष्टि से सोचे तो हमारा मन भी किसी राज्य साम्राज्य से कम नहीं है। अगर हम इस मन रूपी राज्य राज्य के खुद अगर राजा बन गए तो हम कर्ण रूपी अन्य राज्यों से हार जाएंगे। लेकिन अगर गुरु भी अगर राजा बना जाए हमारा तो फिर हम जीत ही जाएंगे। मैंने भी अपने मन रूपी साम्राज्य में आचार्य प्रवर को राजा बनाया और मैं उनका शिष्य बनकर इस कर्मों के बंधन को तोड़ना चाहता हूँ। वंदन हजार करूं दिन रात मेरे गुरुवर मैं स्मरण तुम्हारा करूं गुरुवर जो ही तुमने प्रभु दर्शन आई सदा मेरे रोम रोमे गुरुवर बहते वीर वचन सदा शासन में सदा हो तुम गुरुदेव नमन मैं करूं दिन रात मेरे गुरुवर मैं स्मरण तुम्हारा करूं दिन रात मेरे गुरुवर मैं स्मरण तुम्हारा। विरक्त से सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले प्रभु महावीर को वंदन। आत्मवात्सल्य से विश्व अलग कहलाने वाले अनन्य उपकारी आचार्य भगवान 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय श्रीन्द्र। मानती हूँ सबको बहुत भूख लगी है और एक बार मेरे साथ बोले सभी को जय श्रीन्द्र। बहुत दम है उदयपुर वालों में। आप सब मेवाड़ी है राइट? पक्के मेवाड़ी। एक मेवाड़ी रेस्टोरेंट में जाता है, एंटर करते ही उसको दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ लिखा होता है इंडियन और एक तरफ लिखा होता है चाइनीज। तो वो मेवाड़ी इंडियन में जाता है। इंडियन में जाने के बाद उसको दो रास्ते दिखते हैं, आपको शुद्ध घी का खाना खाना है या घास फूस जैसा हरी वेजिटेबल्स का खाना खाना है। बोलो मेवाड़ी कौन सी तरफ जाओगे? पक्की बात है, कोई बिना डाउट के कहा जाएंगे शुद्ध घी की तरफ जाएंगे। शुद्ध घी खाने के तरफ जाने से वापस उसको दो विकल्प मिलते हैं, आपको पेड़ खाना खाना है या फ्री ऑफ कॉस्ट का खाना खाना है। बोलो मेरे मेवाड़ियों आपका जवाब भी फाइनल होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गली ऊपर से पेड़ बोल रहे हो, मैं जाऊंगी। ठीक है, तो आप जाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ। जैसे ही आपने इंटर किया वहां से एक ही रास्ता आता है जो आता है बाहर की तरफ का। बराबर? यानी
मेहनत, बिना प्रयास और बिना पुरुषार्थ आपको एक फल का तक खाने को नहीं मिलता है। और अपने को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। बिना प्रयास और बिना पुरुषार्थ अपने को क्या चाहिए? तो यहाँ आके अगर भगवान बोले कि चल मैं तेको मोक्ष लेके जाता हूँ तो मैं आऊंगा, राइट? पर ये मोक्ष जाने का रास्ता मिलेगा कहाँ से? उत्तराध्यन सूत्र के 25वें अध्ययन में दो भाइयों की कहानी है, जय घोष और विजय घोष। जय घोष तो दीक्षित हो जाते हैं, पर विजय घोष को गोद दिलाने के लिए वो यज्ञशाला में जाते हैं। वहाँ पर उनको एक उदाहरण देते हैं कि एक तरफ है सूखे मिट्टी का गोला और दूसरी तरफ है गीले मिट्टी का गोला। अगर आप दोनों को दीवार पे मारो तो क्या होगा? गीली मिट्टी का गोला तो चिपक जाएगा और जो सूखी मिट्टी का गोला है वो बिखर के नीचे गिर जाएगा। बस वैसे ही जब भी ये चित्र विषय में, कषायों में और जो भी मोह माया में अगर अटक जाएगी तो क्या हो जाएगा? उस मिट्टी, गीली मिट्टी के गोले की तरफ मेरे आत्मा में भी वो कर्म चिपक जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने विरक्ति का, बिना कोई अहम का और बिना कोई कषाय का अगर जीवन जीना शुरू किया तो मैं उस सूखी मिट्टी की तरफ कर्मों को क्षय करने वाली बन जाऊंगी। बस वैसे ही मिट्टी, सूखी मिट्टी की तरह अगर मुझे बनना है तो मुझे क्या करना होगा? संयम अंगीकार तो करना ही है, पर सब आप जैसे बिजनेस बहुत करते, राइट? यहाँ पे मोस्टली जेंट्स बिजनेस करते, पर आजकल लेडीज भी बिजनेस करती है। तो अगर आपके पास परचेजेस है और स्टॉक है और सेल्स नहीं है तो कितना देर वो बिजनेस चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। यानी हम कर्म तो इनसाइड ले रहे हैं, कर्मों का बंद तो कर रहे हैं, बट देयर इज नो सेल्स, वहां पे कोई आउटकमिंग ही नहीं है। हम कर्म से करने में ही नहीं जुड़े हुए हैं तो सेल्स कैसे होगा? तो इस बात का मेरा इस संयम जीवन का लक्ष्य है मात्र सेल्स, यानी मात्र निर्जरा। कर्मों को क्षय करना है, पर वो क्षय मैं किस दिन करना शुरू करूंगी? तारीख अगर पता नहीं हो तो मैं फिर से एक बार बोलूं, 10 फरवरी 2022, और शहर कौन सा है? प्यावर शहर। और उस दिन हम करेंगे कर्म क्षय करने की निर्जरा को प्रारंभ। अंत में मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी पधारे और हमें प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्रदान करें, और साथ ही उदयपुर संघ को मैं खूब विशेष तरीके से आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मेरा इस आपके महान उदयपुर शहर में पहली बार आने का हुआ है। मैं ज़्यादातर तो किसी को जानती नहीं हूँ, बट सभी पदाधिकारियों को और जो भी स्टेज पर बैठे आप सबको भी खूब 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 आभार व्यक्त करती हूँ। नमन जी को करना अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए। प्रभु महावीर का मंगलमय नाम था, मंगलमय नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। कृष्णा के लाल का, कृष्णा के लाल का, दयामय संदेश था, दयामय संदेश था, आज भी है और कल भी रहेगा। चरणों में वंदन अनंत बार शांत प्राण संकेत नहीं शासन के सिद्धार्थ अतिराज श्रावक सविता के चरणों में प्रतिष्ठ वंदन हर एक प्रार्थना में विराजमान परमात्मा को मेरा साध्य करें। संसार को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, संसार को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, व्यापार को चलाने के लिए धन चाहिए, व्यापार को चलाने के लिए धन चाहिए, दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए, दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए,
हर एक आत्मा को मोक्ष पाने के लिए संयम चाहिए, मोक्ष पाने के लिए संयम चाहिए। एक व्यक्ति बैंक से 1,00,000 रुपए लेकर निकला और वह एक गार्डन में जाकर झाड़ के नीचे बैठता है, जूते एक तरफ रखकर और 1,00,000 रुपए एक तरफ रखकर बैठता है और उस व्यक्ति की नजर जूते की तरफ पड़ती है और वह सोचता है मैं कितना समझदार आदमी हूँ कि मैं सब जगह ध्यान देता हूँ, पर उसी समय में ही उसका 1,00,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। हम भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं, हमारे 1,00,000 रुपए यानी भगवान ने 4 दुर्लभ चीजें बताई है, हमारा मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, संयम और जिनवानी श्रवण धर्म, ये 4 दुर्लभ चीजें है। हमको ये 4 कोहिनूर हीरे मिल रहे हैं, हम उसको गमा रहे हैं। इसकी तरह से धन वैभव रूपी जूते के समान उस कोहिनूर रूप हीरे को हम गमा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बच्चे हैं, इतनी भी जल्दी क्या है रिक्शा लेने के लिए, तुम तो अभी ना समझो, थोड़े होशियार तो हो जाओ, संसार के कुछ नाटक तो देख लो, फिर रिक्शा ले लेना। ठीक है मैं मानता हूँ हम बच्चे हैं, हम ना समझे, हम बुद्धू भी है, हम संसार के रंग को कुछ भी नहीं देखे, पर आप सब तो संसार के नाटक को जान चुके हो, आप बड़े भी हो, समझदार हो, अच्छे पद पर स्थापित भी हो, पर आप सब क्यों दीक्षा नहीं ले रहे हो? मैं यही बात बताना चाहता हूँ, दीक्षा के लिए उम्र कायदे में नहीं है, उम्र मर्यादा में नहीं है, दीक्षा के लिए वैराग्य कायदा में, वैराग्य कभी भी आ सकता है। मैं आप सब के लिए यही मंगल कामना करता हूँ, आप तो संसार के सुख को जान चुके हो, पर संयम के आनंद को जानने के लिए गुरु के चरणों में पधार जाओ। आप सबको गुरु कृपा की महत्ता महानता कैसी होती है बताता हूँ। मेरे पास आंखें तो थी पर दृष्टि गुरु ने दी, मेरे पास कान तो थे पर जिनवानी श्रवण की ठीक गुरु ने दी, मेरे पास कंठ तो था पर स्तुति गुरु ने दी, मेरे पास हृदय तो था पर गुरु भक्ति गुरु ने दी। हर हाथी के सिर पर रत्न नहीं रहता, हर हाथी के सिर पर रत्न नहीं रहता, हर जंगल के अंदर चंदन के झाड़ नहीं रहता, हर जंगल के अंदर चंदन का झाड़ नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में आचार्य पर विजय राजी जैसा गुरु नहीं मिलते, आचार्य पर विजय राजी जैसा गुरु नहीं मिलते। नमन जी कोटलिया, अदिति जी कोटलिया, पुण्यवाणी की प्रभा खेल रही है चौहो, पुण्यवाणी की प्रभा खेल रही है चौहो, दीक्षार्थी बढ़ रहे हैं संयम पथ की ओर। परम श्रद्धा आचार्य भगवान, 1,000 मम जीवन आदर्श गुरु भगवान एवं गुरुजी कल्याणों के श्री चरणों में सब ने सब श्रद्धा बन सभी बड़ों को प्रणाम एवं साधन है। Someone has rightly said, happiness is not a chance, it's a choice. प्रसन्नता सुख चाहने मात्र से नहीं मिलता, हमें प्रसन्नता को चुनना पड़ता है। जीवन में किस प्रकार प्रसन्नता मिले इसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। संयम, but in fact I like to tell you कि संयम में सुख दिया नहीं जाता, संयम में तो सुख लुटाया जाता है। जहाँ एक साधक आत्मा स्वयं सभी कष्टों को झेलने के लिए सहज तैयार है ताकि वह सामने वाले जीवों को दुख से मुक्त दे सके। जहाँ पर मैं शब्द का तो अंत है और हम शब्द का साम्राज्य है, ऐसा भव्य ऐसा दिव्य है वो संयम जीवन जहाँ सुख दिया जाता है, जहाँ सुख लुटाया जाता है। सर एक प्रश्न होता है कि जो संसारी है उन्हें भी सुख चाहिए और सुख चाहिए, यानी संसारी व्यक्ति स्व के लिए सुख हित की कामना करता है और संयमी सर्व के लिए हित की कामना करता है। सो व्हाट इज योर चॉइस, स्व हित या सर्व हित? क्योंकि सर्व में स्व को समाहित है। प्रश्न उठता है कि गुरु ही क्यों, तो संस्कृत में एक लाइन आती है, विदलयति कुबोधम बोधयेत् त्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे विनक्ति अवगमयति कृत्या कृत्य भेदम गुरुर्यो भव जन निधि पोतस्कम विना नास्ति।
सुतम अर्थात क्या जो कुगति से सुगति की ओर कुमार से सुमार की ओर क्या कृत्य है क्या अकृत्य है इसकी जो पहचान कराते हैं एवं जो इस बल से पोत के समान हमारे नाव को तिराते हैं वह ही है गुरु। और गुरु ने ही हमें समझाया कि हमारे इस मोह निद्रा का त्याग करना आवश्यक है। जब तक हम सभी जीवों को सुख देने की भावना नहीं जगाएंगे हम स्वयं के लिए भी सुख नहीं पा सकते। जस्ट इमेजिन एक ड्राइवर जब कार चलाता है उसे अगर एक मिनट की झपकी आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट, डेथ, इवन दैट इज पॉसिबल। सेम वे जब एक मिनट की नींद से इतना घातक इतना भयावह परिणाम हो सकता है तो हमारी आत्मा अनादि काल से मोह नींद में सो रही है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड हमारी आत्मा अनादि काल से मोह निद्रा में सो रही है हमारे आगे का भविष्य कैसा होगा हम कितने भयावह परिणामों को मतलब अनुभव करने वाले होंगे अगर हम इस मोह निद्रा से नहीं जगे। बस यही सत्य हमें भी समझ में आया और इस सत्य की ओर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। उदयपुर मेरे लिए एक रीजन से स्पेशल है। आई टेक यू बैक टू एक्चुअली एक साल अगर दो दिन पहले आते तो एक साल पहले की बात थी पर अब दो साल पहले की बात है। 2019 नवंबर जब मनीषा जी कोटड़िया जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं जो मेरे भी परिवार से मेरी बहन हैं उनके उनकी दीक्षा के लिए हम साउथ से आए थे और उदयपुर उतरना हुआ। मैं उनके साथ आई जब तक मेरे आगे पत्र का कुछ भी ठिकाना नहीं था। मैंने बहुत बोला पर चीज़ें सेटल ही नहीं हो रही थी तो सोचा नहीं था कि होगा। पर जैसे हम उदयपुर एयरपोर्ट लैंड किए जस्ट लैंड किए और बैगेज कलेक्ट करने लगे और मुझे कॉल आया कि अदिति तेरा आगे पत्र हो गया। एक बार के लिए तो मुझे समझ गया मैं खुश हूँ कि शौक हूँ एग्जैक्टली क्या रिएक्ट करें बट ऑब्वियसली खुशी भी थी तो शॉकिंग भी था। बस शायद उदयपुर आना ही शेष था। कहते हैं ना पांचों संभव है जब मिलते हैं तभी कार्य होता है तो शायद इस क्षेत्र का मेरे ऊपर भी उपकार है कि यहाँ आते ही मेरा आगे पत्र भी फाइनल हो गया और उनकी दीक्षा में मेरा आगे पत्र हो गया और साथ ही साथ इनका भी गुरु सानिध्य में रहना हुआ। इसीलिए ये वीरों की भूमि ये उदयपुर की भूमि हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये वीरता के संस्कार इस भूमि में इस भूमि के हर आत्मा में बसे हुए हैं। और इसी वीर भूमि के लिए गुरुदेव का एक प्रसिद्ध भजन पढ़े सजे नाम मेरे पाग में वाड़ी पागड़ी मरना प्रताप कयो चाहे कट जाए आकाबड़ी कट जाए आकाबड़ी पढ़े सजे नाम मेरे पाग में वाड़ी पागड़ी मरना कट जाए आगाबड़ी जब भी जंग लड़ी मुगला जो हल्दी घाटी माई में जब भी जंग लड़ी मुगला जो हल्दी घाटी माई में मान लिया हित वाणी सूरज अकबर भी घबराए ने अकबर भी घबराए इमाल आन हिमालय श्री ऊंची भी आन हिमालय श्री ऊंची भी धर्म रिहेरी पाकड़ी मरणा प्रताप कहो चाहे कट जाए आगाबड़ी कट जाए ये भक्ति की
कई ये भ्रांतियाँ हैं कि गुरु की आज्ञा ले ली यानी सम्यक का प्राप्तक हो गया, और जिनकी गुरु की आज्ञा ले ली वही हमारे गुरु हैं। ये सब द्रव्य की बातें हैं, ये सब बाहर की बातें हैं। गुरु की आज्ञा लेना सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व किसको कहते हैं, मिथ्यात्व किसको कहते हैं? सम्यक्त्व कहते हैं हमारी समझ को, हमारी दृष्टि को। सत्य को सत्य मानना सम्यक्त्व है, पाप को पाप मानना सम्यक्त्व है। मैंने किसी जीव की हिंसा की और मैंने ये माना कि मेरे द्वारा जीव की हिंसा हुई है, ये सम्यक्त्व है। हम क्या समझते हैं आडंबर किसको मानते हैं? बहुत बड़ा भव्य आयोजन कर दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, इसको आडंबर मानते हैं। लेकिन वस्तुतः मैं ऐसा मानता हूँ, आडंबर दिखावे को कहते हैं। जहाँ पर दिखावे की दृष्टि से कोई काम किया जाता है वो आडंबर होता है। तो अगर मैं कोई कार्य सादगी से करके बोलता हूँ, मैं बहुत सिंपल हूँ, मेरे अंदर बहुत सादगी है, तो वो सादगी भी आडंबर का प्रतीक है। और अगर मैं अहोभाव से अपनी अभिव्यक्ति करता हूँ तो वो आडंबर नहीं, वो अभिव्यक्ति है। हर एक व्यक्ति हर एक कार्य कर सके ऐसा जरूरी नहीं। सभी जीव की अपनी अपनी यात्रा होती है, सभी के अंदर उतना पुरुषार्थ उस समय जगे जरूरी नहीं है। कुछ लोग करवा सकते हैं, कुछ लोग कुछ कार्य से कर भी नहीं सकते, करवा भी नहीं सकते, लेकिन अनुमोदन कर सकते हैं। तो करने, कराने और अनुमोदन, इन तीन चीज़ों से हम इस जैन धर्म से जुड़ सकते हैं। करने, कराने और अनुमोदन से हम अपने अंदर भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से हो सके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आडंबर नहीं है, ये विश्वास हमको होना चाहिए। क्योंकि मैं इस भ्रांति में था और मैं ये बात आगे रखना चाहता हूँ कि अगर हमसे हो सके तो अच्छे से अच्छे तरीके से जिन शासन की, जिन शासन में आगे बढ़ने वाले वीरों की, जिन शासन में जो अपना प्रयास करते हैं उनकी प्रशंसा, उनका अनुमोदन करना चाहिए। इससे हम उन भावों से जुड़ते हैं, हमारे अंदर वो गुणग्राही दृष्टि बढ़ती है। तो सादगी और आडंबर अलग है, लेकिन सादगी का दिखावा भी आडंबर हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति आडंबर नहीं है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम ने इस बार को पहले नहीं करने के लिए कहा था, परंतु बहुत अच्छी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं और इनकी तीव्र भावना हो, यह अवसर मैं सोचता हूँ कि कब मिलेगा। तो इनकी भावना का सम्मान करते हुए संघ ने निर्णय किया है कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात कुछ देर महिला वर्ग यहीं पर विराजे और महिला संघ की जो 24वीं का कार्यक्रम है उसमें आप सहभागिता निभाएं। पुरुष वर्ग नीचे स्नेह भोज के लिए बना रहेंगे। सम्मानित सदन, आभार सर्वप्रथम सभी गुरुक्षों का जिनके कारण यह समारोह आध्यात्मिकता के पावन उजाले में संपन्न हो सका। आभार इनके माता पिता व परिजनों का जिन्होंने अपने नौ निहालों को संयम मार्ग पर प्रेरित किया। आभार आप सभी का जो संयम अनुमोदता के साक्षी बने। आभार संघ समाज के उन नीम के पत्थरों का जिनकी एक माह की मेहनत का सुपरिणाम था आज का यह समारोह। मेरी एवं उदयपुर श्री शनि की यही विनंती है, जहाँ भी रहो हम पर महर नजर रखना, कृपा का नजरिया हम पर भी बनाए रखना, होना न कभी विचलित बाधाओं से, आशीष का वर्षण उदयपुर श्री शनि पर बनाए रखना, उदयपुर श्री शनि पर बनाए रखना। जय महावीर। जय हिंद। जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।